हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और मैं हेयर एजुकेटर हूँ बाय वे में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्टन बैंक्स के बारे में कि कर्टन बैंक्स क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है और इसके लिए क्या कटिंग टेक्निक यूज होती है और क्या सेक्शनिंग पैटर्न रहता है और किन क्लाइंट्स के लिए या किस फेज पे ये सूटेबल है। सो स्टार्ट करते हैं कर्टन बैंक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। सो कर्टन बैंक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप उसका नाम से ही पता चल रहा है, कर्टन कि जो विंडो ड्रेपिंग कर्टन होते हैं, सो उन्हीं से ही इसका कंसेप्ट लिया गया है। सो जैसे कि आप कर्टन्स को देख सकते हो विंडो पे कि उनको किस तरीके से ड्रेप किया जाता है। सो जब कर्टन्स को विंडो पे ड्रेप किया जाता है, सो दिस इज द ड्रेपिंग जो कि इन बैंक्स का कॉन्सेप्ट है। सो यहां अब आप देख सकते हो कि कर्टन बैंक्स को अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट कि ये मिडल में से आपकी जो बैंग्स है ये रहेंगी शॉर्ट और जैसे ही ग्रेजुअली ये अपने फॉल की तरफ जाएंगी तो ये लेंथी होती जाएगी। सो दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द विंडो ड्रेपिंग कर्टन्स। सो जैसे कि आप ऑलरेडी डमी पे देख रहे हो कि बैंग्स उसका रेडी है, सो ये बैंग्स इनसाइड रहेंगी शॉर्ट और ग्रेजुअली मूव करेंगी अवे फ्रॉम द फेस, जहां इनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, सो दैट कि आपका फेस दोनों साइड से फ्रेम हो सके। बिकॉज ये बैंग्स जो है वो मोस्टली अपार्ट हो जाती है सेंटर से, सो दैट्स व्हाई ये बोथ साइड ये आपके फेस को फ्रेम करती है। सो इन कर्टन बैंग्स को आप डिफरेंट लेंथ पे परफॉर्म कर सकते हैं जिससे आपको रिजल्ट भी कुछ अलग मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कर्टन बैंग्स को लॉन्ग रखते हैं सो डेफिनेटली आपके फेस को नैरो कर देगा। सो ये लॉन्ग कर्टन बैंग्स आप उन क्लाइंट्स को दे सकते हो जिनका फेस थोड़ा वाइड है, चिक बोन्स ज्यादा वाइड है, सो आप उन क्लाइंट्स पे लॉन्ग कर्टन बैंग्स परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट बैंग्स बनाते हैं कर्टन बैंग्स, सो देन वो बैंग्स जो आपकी चिक बोन है उसको काफी अच्छे से डिफाइन कर देगी। सो इन कर्टन बैंग्स का आपको एडवांटेज ये है कि ये एक लो मेंटेनेंस स्टाइल है। बिकॉज इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि एवरी टाइम आपको ब्रशेस करने हैं या ब्लो ड्राई करने हैं। सो विदाउट ब्रशेस और ब्लो ड्राई ये आपके बालों के नेचुरल टेक्सचर के साथ ही मर्ज हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई ये एक इजी और लो मेंटेनेंस स्टाइलिंग है। सो दीज आर द बैंग्स जो कि ओपन हेयर और अपडूज के साथ भी सूटेबल है। सो आप इन बैंग्स को किसी भी स्टाइल में कैरी कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं कि इन बैंग्स को कट करने की टेक्निक क्या है और क्या उसके लिए सेक्शन पैटर्न्स हैं। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शंस के साथ कि आपको कर्टन बैंग्स के लिए सेक्शंस कैसे रेडी करने हैं। आपको हेयर्स को थोड़ा सा ब्लो ड्राई करना है। सो ब्लो ड्राई करने के बाद आप इन हेयर को रखोगे फ्रंट की तरफ। सो फ्रंट की तरफ रख के आप चेक करोगे कि बालों का जो फॉल है वो किस डायरेक्शन में है और किस तरह से है। सो फ्रंट पे इन सेक्शंस का फॉल देखने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेक्शनिंग। सो सेक्शंस कैसे बनाएंगे, तो सेक्शंस रेडी करेंगे एक माइनर सा ट्रायंगल सेक्शन। सो वो सेक्शन लेंगे हम बिल्कुल सेंटर से। सो स्टार्ट करेंगे विद सेंटर सेक्शन। सो हाउ टू कट, सो आप इस सेक्शन को एलिवेट करोगे हॉरिजॉन्टली एंड देन जो इसके लिए फिंगर पोजीशन रहेगी वो रहेगी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टली एलिवेट एंड फिंगर पोजीशन वर्टिकल। सो अब आपको मेजर करना है लेंथ। सो चेक कि आपको लेंथ ही कितना रखना है। सो अगर तो आप इन सेक्शंस को और इन बैंग्स को लॉन्ग कट करना चाहते हैं सो यू कैन मेजर अकॉर्डिंग टू द नोज। सो अगर आपको इन बैंग्स को शॉर्ट कट करना है सो देन यू कैन मेजर अकॉर्डिंग टू योर आईज।
सो लेट स्टार्ट विद द लॉन्ग. सो लॉन्ग हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नोज. सो अकॉर्डिंग टू नोज लेवल अब मैं कर रहा हूं इस सेक्शन को कट. सो एक बार इसको आप फ्लावर पे कट करने के बाद सो देन स्टार्ट विद द माइनर नोटिंग. सो नाउ लेट्स सी. सो हियर माय सेक्शंस. So now coming to the next section. So next section को cut करने के लिए आप एक proper bank section ready करोगे. So जब भी आप section को ready करोगे so make sure आप client के सामने खड़े. बिकॉज जब आप फ्रंट से खड़े होकर सेक्शन लेते हो स्पेशली बैंक एरिया के लिए सेक्शन निकालते हो बैंक सेक्शन निकालते हो सो वो एक प्रॉपर सही सेक्शन निकलता है. सो माय सेक्शन इज रेडी टू कट. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेंटर से. सो इस सेंटर सेक्शन को कट करने के लिए जो आपका प्रीवियस कट फ्रिंज सेक्शन है वो हेल्प करेगा एज अ गाइड. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन जिसको हम रेडी करेंगे हॉरिजॉन्टली. और हॉरिजॉन्टली इस सेक्शन को आप स्ट्रेट अपलिफ्ट करोगे एंड देन कट करोगे लॉन्ग टू शॉर्ट. सो आप इनको होल्ड करोगे हॉरिजॉन्टल. सो अगेन अपलिफ्ट एंड योर सेक्शन कट अप long to short. So guys, after cutting, this is the result of cut and bangs. So आप difference देख सकते हो दोनों side पे कि अगर आप bangs को short cut करोगे तो वो किस तरीके से आपकी eye lines को enhance करेंगे. And then same as it is, अगर आप इसी cut को थोड़ा सा lengthy cut करते हैं तो वो highlight करेगी और define करेगी आपकी cheek bones को. So guys, thanks for watching this video. So keep earning and keep learning with Bayou.